Welcome dear students of 10th standard guys. We are going to talk about some defects in this part of the lecture. Some basic part we have already seen in the previous lecture. So guys, before moving to defects, okay, let's try to understand how our eye works. But before that one, let's try to recall the principal focus ka concept which was related with your two different lenses, convex and concave. Dono ke liye alag alag definition tha. तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन रिकॉल कर लेते हैं। गाइस कॉन्वेक्स के बारे में ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि नाइन्थ को एक पैटर्न देखिए, लाइट के सेक्शन का पैटर्न कैसा है कि आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है, एक फिनोमेना पढ़ना है और उस फिनोमेना का एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो नाइन्थ में अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे हम लोग ने पढ़ा मिरर, ठीक है। अभी अपन ने 10th में पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वी आर स्टडिंग अबाउट द लेंसेज। सो गाइस वहां पे जो कॉनकेव कॉन्वेक्स था, वहां पे कॉनकेव को ज्यादा महत्व था, कॉन्वेक्स को कम महत्व था, लेकिन 10th में बिल्कुल ही उल्टा होने वाला है। कॉन्वेक्स के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे, कॉनकेव के बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। तो The thing is that its convex lens is called as a converging lens and concave is called as a diverging lens. Converging, diverging क्या होता है? Principal focus क्या होता है? देख लेते हैं। Because when rays coming parallel to principal axis, when they are coming towards the lens, when they will pass through the lens, the rays will experience the refraction and after refraction, these rays are gathering. These rays are coming in a one point. That point is called as a principal focus of convex lens. Is convergence का मतलब क्या होता है? किसी का साथ में मिलना, किसी अलग अलग rays का, अलग अलग lines का एक बिंदु में आके मिलना, उसको हम लोग बोलते हैं convergence. So from that logic, this point, this is your point of convergence of the rays, and this point of convergence of the rays will be referred as the principal focus of the convex lens. Very simple concept in the case of convex lens. बट कॉनकेव के बारे में थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव में एक सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम लोग मीनिंग देखेंगे लेकिन थोड़ा आहिस्ते। कॉनकेव के बारे में देखते, अगेन द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, गाइस आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट कमिंग टूगेदर लाइक योर कॉन्वेक्स बट दे आर गोइंग away from each other, ठीक है? That's why this lens is called as a diverging lens. सवाल ये है कि अरे after refraction if they are going away from each other, तो point of convergence कहाँ पे मिलेगा? क्योंकि वो तो intersect करने वाले नहीं है after refraction, right? तो point of convergence कैसे मिलेगा? उसके लिए क्या करेंगे? We will extend the rays on that side and after extending the rays on that side there will be one point in which these rays will intersect with each other and this point will be referred as the principal focus of concave lens. Abhi isko thoda ye ho gaya apna technical language ka definition, lekin thoda hum log samajhte hain. Yahan pe maine ek example diya hai bhai, kya dekhiye aap bhi बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया रहेगा, इनफैक्ट मेरे ख्याल से इस वीडियो में भी आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। एक लाइट जो है, यहाँ पे एक बोर्ड है, एक लाइट बराबर हम लोग के क्लासेस में वो एक्सट्रीम पे है और उस लाइट के वजह से, ऑलराइट ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक लाइट जो है बराबर वहां पे है, ठीक है, और वहां का जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठता है और वो अगर उसका ध्यान पीछे नहीं जाता तो इस स्टूडेंट को क्या लगेगा कि सर ये बोर्ड जो है, बोर्ड में से लाइट मेरे आंख पे आ रही है, ठीक है ना। सो गाइस दिस इज द व्हाट आई विल कॉल दिस एज द वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट, बिकॉज एक्चुअल रेस तो वहां से आ रही है लेकिन सामने बैठे वाले स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि भाई रेज यहां से आ रही है। सो दिस इज दैट वन सेंटेंस इन द डेफिनेशन, द रेज विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, हाउएवर द रेज आर नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट बट दे आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। सो जैसे ये बच्चे का एग्जांपल हो गया, जैसे यहां पे ऑब्जर्वर है तो यहां से लाइट आया रिफ्लेक्ट होके यहां पे गया,
लेकिन इसको लगा कि यार लाइट जो है वो यहां से आ रही है, तो ये इस पॉइंट को सोर्स ऑफ लाइट पकड़ लेगा, भाई लाइट जो है वो यहां से आ रही है, तो ये बंदा क्या बोलेगा कि दीज रेज आर अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो पता है कि ट्यूबलाइट है ऊपर, मैं क्या बोलूंगा, नो नो द रेज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ट्यूबलाइट इटसेल्फ। ओके, सो ये एक वर्ड है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। फिर इसको कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे देखिए रेज आए पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, लेकिन ऑब्जर्वर क्या बोलता है, रेज इनिशियली कहां से आए उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ऑब्जर्वर क्या करेगा, ये दो ऑब्जर्वर है, ये दोनों ऑब्जर्वर ने क्या किया, उनके पास जो रेज आए उन्हीं रेज को वो पीछे पीछे ट्रैक करते चले गए। जैसे कि देखो आप किसी अंधेरे रूम में आपको किसी ने आवाज दिया या फिर किसी ने दिया जलाया, तो जहां से रे आएगा आप उसके पीछे पीछे जाओगे, जहां से आवाज आएगी आप उसके पीछे पीछे जाओगे, तो रेज तो यहां से आ रहे ना, तो ऑब्जर्वर ने इसी को सरल माध्यम से, इसी को सरल रेशा में, एक स्ट्रेट मैनर में उसने ट्रैक करना चालू किया, जा रहा है जा रहा है जा रहा है और ये पॉइंट पे आ गया। उसी टाइम पे ये ऑब्जर्वर भी इसके पास जो रे आया उसी रे को सीधा डायरेक्शन में लेकिन रिवर्स उल्टा उल्टा वो ट्राई करते चला गया और इस पॉइंट में आके रुक गया, ठीक है। तो ऐसे हुआ है, देखिए इसके लिए ये दोनों ऑब्जर्वर क्या बोलेंगे कि दीज टू रेज आर अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, आर अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ये मेन डिफरेंस है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के प्रिंसिपल फोकस में। कॉन्वेक्स में तो सीधा कंसेप्ट है, कॉन्वेक्स में आएगा पैरेलल सब जाके इकट्ठा हो जाएंगे, दिख रहा है अपने को, बात खत्म। लेकिन कॉनकेव में थोड़ा सा टेढ़ा चीज है कि भाई आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आपको ऑब्जर्वर के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऑब्जर्वर जो बोलेगा वो आपको सही मानना पड़ेगा। और ऑब्जर्वर क्या बोलेगा आपको, ऑब्जर्वर बोलेगा कि भाई मेरे पास रे आया तो मैं तो उसको ऑब्वियसली रे आया है तो सीधा ही आया रहेगा, रे आया है तो सीधा ही आया रहेगा, तो मैं उसको सीधा सीधा पीछे पीछे ट्रैक करते चला गया और एक पॉइंट मुझे ऐसा मिला कि जहां पे और कोई दूसरा रे भी निकल रहा था। तो इस प्रकार से दोनों ऑब्जर्वर जो है इस एक पॉइंट पे मिल गए और उन्होंने सोच लिया कि यार हाँ मैंने भी ट्रैक करते करते यहाँ पे आ गया, इसने भी ट्रैक करते करते यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये रेस इसी पॉइंट में से निकल रहे हैं। That's why they will call this one sentence, these rays appear to be coming from one point and that point will be referred as a principal focus for the concave lens. Just wait for the next part connected with this lecture. Now let's see how do we see an object, guys. Now before that, let's talk about the focusing part. Okay? देखिए यहाँ पे अपने दूर object है, okay? अपने को अभी एक lens लगेगा दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए या दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए। दूसरी बात, अपने को स्क्रीन लगेगा, राइट? इमेज किस पे बनाए, हवा में तो नहीं बना सकते। कभी देखा है प्रोजेक्टर चालू करके प्रोजेक्टर ऊपर रख देंगे क्या? नहीं ना, वी नीड अ स्क्रीन इन ऑर्डर टू कैप्चर और इन ऑर्डर टू दी फॉर्म इमेज। ओके फाइन, ओके। सो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सिंपल बात है कि ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, आई मस्ट बी अवेयर अबाउट, अभी आपके देखिए अपना सन है, सो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट ओवर हियर, नाउ दिस रेज विल फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दे विल रिफ्लेक्ट एंड देन जो भी आगे होगा वो रिफ्लेक्टेड रेज के साथ होगा, ठीक है ना। तो भाई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरने के बाद दिस रिफ्लेक्टेड रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट they will go parallel to the principal axis of convex lens and after refraction they will come together in a one point, that is what your focus, okay। baat ye hai ki agar aapka screen proper focus pe rahega to aapko ek clear image milega object ka, ek clear image milega, lekin ha image jo bhi rahega aapka inverted image rahega, kaisa rahega, inverted lekin clear rahega, कभी रहेगा क्लियर व्हेन योर स्क्रीन इज एट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो भाई हर एक लेंस का एक अपना फोकस
डिसाइडेड रहेगा, जिसको हम लोग फोकल लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, उसके बीच में का डिस्टेंस इज योर फोकल लेंथ। तो हर एक लेंस के लिए अपना फोकस कहाँ पे है वो डिसाइडेड रहेगा। आपको क्या करना है, आपको उसी फोकस पे, कैलकुलेटेड फोकस पे आपको स्क्रीन रख देना है टू गेट अ क्लियर इमेज। व्हाई? बिकॉज एट फोकस ओनली ऑल द रेज आर गोइंग टू मीट ईच अदर एंड देयर यू विल गेट अ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसा ही होता है अपने ह्यूमन आई के केस में, इसको और ज्यादा डीप में अपन स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा जनरल कंसेप्ट देख लेते हैं, नॉर्मल ऊपर से ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल एंटर इनटू द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आर आई, ठीक है। वैसे देखिए आई का जब हम लोग पार्ट देखेंगे तो आई का दो बार रिफ्रैक्शन होगा आई के अंदर, एक तो व्हेन लाइट रेज विल कम थ्रू द कॉर्निया, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन होगा, एंड देन कॉर्निया से अंदर जाके फिर एक्चुअल लेंस, यहाँ पे दूसरा रिफ्रैक्शन होगा। तो बात याद रखिएगा कि आंख में जब लाइट जाएगा तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा, वन व्हाइल एंटरिंग इनटू द कॉर्निया एंड सेकंड व्हाइल एंटरिंग और पासिंग थ्रू द एक्चुअल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आवर आई। नाउ गाइस यहाँ पे देखिए लेंस से ही गुजरे, नाउ स्क्रीन तो चाहिए इमेज को पकड़ने के लिए, इमेज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे स्क्रीन का काम करता है आंख का पर्दा, मतलब अपना रेटिना। तो रेटिना के ऊपर आपके रेज साथ में आ जाएंगे एंड आपका इमेज फॉर्म हो जाएगा वेरी क्लियर। बात ये है गाइस, जैसे मैंने यहाँ पे भी बात किया था कि टू गेट एन क्लियर इमेज योर स्क्रीन मस्ट बी ऑन द फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। लेंस का जो फोकस है वहां पे आपका स्क्रीन होना चाहिए, एंड नेचुरली जिनको चश्मा नहीं है उनको नेचुरली उनका जो रेटिना है मतलब स्क्रीन है वो इस लेंस के फोकस पे ही होती है, ठीक है। एंड जिसके वजह से जो भी इंटरसेक्शन होता है वो बराबर रेटिना के ऊपर होता है, ठीक है। इसके लिए इमेज आपका इमेज विल फॉर्म ऑन द रेटिना, द नर्व्स विल send the signals to the brain in order to perceive the image as it is. So यहाँ पे रोल जो है रेटिना का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्क्रीन का रोल है, ठीक है। तो बात देखिए यहाँ पे ये है कि नॉर्मल आई के केस में योर फोकस ऑफ द लेंस, ओके, और वी कैन से द फोकस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम ऑफ कॉर्निया एंड लेंस, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए दोनों भी जिम्मेदार है। पहला रिफ्रैक्शन होगा when light will enter in the cornea, दूसरा refraction होगा जब cornea से light lens में जाएगी। इसके लिए दोनों का combine हम लोग बोल सकते हैं कि जो focus है वो focus आपका retina पे होना चाहिए, ताकि retina पे rays का intersection हो और image भी आपका retina पे form हो, ठीक है ना। और जहां पे ये focus आपका retina पे नहीं होगा तो वहां पे defect आ सकता है आपके eyes में, और आपको चश्मा लगाना भी पड़ सकता है। तो या तो आपका फोकस रेटिना के आगे चला जाएगा या तो आपका फोकस रेटिना के पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये केस होता है आपने अभी आगे देखेंगे डिफेक्ट में, लेकिन और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं, यहां पे क्या होता है फोकसिंग पावर के बारे में देखते हैं कि थोड़ा देखिए फोकसिंग में क्या चीज है। अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है, तो क्या होता है कि आंख जो है योर आई विल इंक्रीज द फोकल लेंथ, मतलब क्या होगा जो आपका फोकस है जो कि आपके रेटिना के ऊपर है एंड आपका लेंस, तो इनमें का डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, ओके। सो बाय मींस ऑफ दैट द फोकल लेंथ विल इंक्रीज इन ऑर्डर टू कैप्चर द ऑब्जेक्ट एट फार डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिए, दूर से आने वाले ऑब्जेक्ट के रेज को कन्वर्ज करने के लिए फोकल लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक सिंपल बात है, ज्योमेट्री वाली बात है कि अगर बहुत लंबे से पैरेलल रेज अगर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत दूर से अगर रेज आ रहे तो ऑब्वियसली उनको कन्वर्ज होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, एक सर्टन डिस्टेंस के बाद वो कन्वर्ज होंगे, इसके लिए फोकल लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो वहां पे क्या होगा,
फोकल लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैप्चर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज जस्ट और वी कैन से विच इज वेरी नियर बाय टू द आईज. ओके, तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए. फिर हम लोग डिफेक्ट के बारे में देखेंगे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. जैसे मैंने आपको बताया कि फोकस जो होना चाहिए रेटिना के ऊपर, ओके, तभी जाके आपका इमेजेस का जो आपका रेज है वो रेज आपके कन्वर्ज हो गया और उससे आपका इमेज फॉर्म होगा. तो मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय मायोपिया. भाई मायोपिया क्या है? नियर साइडनेस. मतलब क्या नियर साइडनेस? मतलब पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा. ठीक है, तो नियर का दिख रहा है, फार का नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे लेट टू डायग्राम्स आर हियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच विल टेल यू कि भाई होता क्या है. एक तो नॉर्मल आई में क्या होगा और डिफेक्ट वाले आई में क्या होगा. नॉर्मल आई में द कॉन्वेक्स लेंस विल डू इट्स जॉब परफेक्टली टू कन्वर्ट द रेज ऑन द रेटिना. सो योर फोकस इज करेक्ट एंड एक्यूरेटली ऑन द रेटिना. बट डिफेक्ट वाले आई में इस लेंस ने कुछ ज्यादा ही कन्वर्ज कर दिया है रेज को, जिसके वजह से थोड़ा पहले ही आपके रेज कन्वर्ज हो गए. फोकस तक जाने से ही पहले आपके रेज कन्वर्ज हो गए. इसका मतलब फोकस जो है वो रेटिना पे होना चाहिए था लेकिन रेटिना के पहले शिफ्ट हो चुका है. ठीक है, सो यहाँ पे दिस टू थिंग्स कैन हेल्प टू एक्सप्लेन दिस स्टफ दैट अर्ली एंड अननेसेसरी फोकसिंग. तो यहाँ पे अर्ली मतलब रेटिना पे फोकस होने से पहले, रेटिना पे गिरने से पहले अर्ली एंड सम एक्स्ट्रा फोकसिंग इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज अननेसेसरी फोकसिंग. दिस थिंग्स ऑकर्स इन द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया. अभी इसमें इसके रीजन जो है वो दो प्रकार के रीजन हो सकते हैं. बुक में भी ये दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं. पहला पॉइंट क्या है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कर्वेचर. यहाँ पे जो मैंने दिखाया है कि लेंस जो है आपका थोड़ा सा मोटा बन चुका है, जिसके वजह से उसका फोकसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा. ना व्हेन आई टॉक अबाउट द लेंस ना, तो लेंस के साथ साथ आपका कॉर्निया भी उसमें शामिल है. तो कॉर्निया एंड लेंस दोनों का मोटापा बढ़ जाएगा, दोनों थोड़ा सा फैल जाएंगे, कर्वेचर बढ़ जाएगा, जिसके वजह से वो लोग कुछ ज्यादा ही रे को कन्वर्ज कर देंगे. That's why you will get this early focus, okay? रेटिना पे गिरने से पहले ही फोकस हो गया, कुछ ज्यादा ही फोकस हो गया. यहाँ पे दूसरे केस में क्या हुआ कि लेंस वैसे ही आकार का है, उतने ही आकार का है, लेकिन लेंस एंड रेटिना इनके बीच में का डिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है. That's why जो फोकस है वो रेटिना तक गया ही नहीं, रेटिना तक रेज गए ही नहीं, उससे पहले ही वो कन्वर्ज हो गए इन द फोकस. तो टू रीजंस कैन बी देयर. वन, इंक्रीजिंग कर्वेचर ऑफ द लेंस एंड द कॉर्निया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फोकसिंग हुआ. एंड सेकंड, जहां पे कॉर्निया एंड लेंस उतने ही साइज के हैं लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि इतने ज्यादा लंबे डिस्टेंस तक आफ्टर रिफ्रैक्टेड रेज ट्रैवल नहीं कर पाए. जो रिफ्रैक्शन के बाद के रेज है वो ट्रैवल नहीं कर पाए इतना लंबा डिस्टेंस, तो उसके पहले ही वो मिल लिए, उसके पहले ही वो कन्वर्ज हो लिए. तो दिस इज व्हाट द डिफेक्ट इन द मायोपिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. सो हाउ टू रिजॉल्व दिस थिंग. तो यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी फोकसिंग हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा फोकसिंग हो रहा है मतलब एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा डाइवर्जेंस करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा डाइवर्जेंस करना पड़ेगा, तभी जाके जो एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस है वो बैलेंस हो जाएगा. एंड अपने को पता है डाइवर्जेंस करने वाला लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस. दैट्स व्हाई इन केस ऑफ मायोपिया वी विल यूज अ कॉनकेव लेंस. बाकी कॉन्वेक्स तो अपने आई का है ही. तो यहाँ पे क्या होगा? When the rays from nearby object will fall on the concave lens, ये पहले करेगा डाइवर्ज, पहले डाइवर्ज करेगा. तो डाइवर्ज करने के बाद अभी ये जो लेंस है, ठीक है, लेंस एंड कॉर्निया का सिस्टम, उसको मैंने एक ही लेंस से रिप्रेजेंट किया हूं. तो ये जो लेंस है, ठीक है, उसका तो ऑलरेडी फोकसिंग पावर ज्यादा है, लेकिन उसके पास आए हुए रेज डाइवर्ज किए हुए रेज है, बहुत दूर से आए हुए रेज है. तो ये
लें, जब उसकी पूरी फोकसिंग पावर के साथ उसको कन्वर्ज करेगा तो यू विल गेट द कन्वर्जेंस एट द रेटिना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली बात हम लोगों ने कॉनकेव को यूज करके डाइवर्ज कराया रेस को, ठीक है, एंड देन डाइवर्ज रेस के पास लेंस को भेजा। तो कॉनकेव ने क्या बोला कि भाई तू कुछ ज्यादा ही कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही तू कन्वर्जेंस कर रहा है, कुछ अर्ली कन्वर्जेंस कर रहा है, तो इसके लिए उसका अपोजिट खेल खेलना पड़ा कॉनकेव को। तो कॉनकेव ने क्या किया, डाइवर्ज किया रेस को, एंड नाउ दिस डाइवर्ज रेस व्हेन पास थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस विद हाई फोकसिंग पावर तो बैलेंस हो जाएगा, एंड देन कॉन्वेक्स लेंस से जो फोकसिंग होगा वो फोकसिंग वो कन्वर्जेंस आपको मिलेगा रेटिना के ऊपर। सो ओवरऑल द डिफेक्ट वाज अबाउट द अर्ली एंड एक्स्ट्रा फोकसिंग ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो इस अर्ली एक्स्ट्रा फोकसिंग को मतलब बेसिकली जो आई का सिस्टम है वो कुछ ज्यादा ही फोकस किए जा रहा है, ठीक है, कुछ जल्दी फोकस किए जा रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को उसका उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब डाइवर्जेंस, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस करने के लिए उन्होंने कॉनकेव यूज किया, तो पहले डाइवर्जेंस होगा एंड देन डाइवर्टेड रेस का कन्वर्जेंस होगा। तो डाइवर्टेड रेस का जब कन्वर्जेंस करेंगे, डाइवर्टेड रेस जब हाई फोकसिंग पावर वाले कॉन्वेक्स लेंस में से पास होंगे तो उनका कन्वर्जेंस प्रॉपरली आपको रेटिना पे मिलेगा। सो बाय दिस मींस बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। सो बेसिकली हियर अगेन लेट्स रिकॉल द थिंग, हियर द प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा फोकसिंग व्हिच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द लेंस सिस्टम ऑफ अवर आई। तो इस एक्स्ट्रा फोकसिंग को कैसे कम करें या कैसे बैलेंस करें, फोकसिंग को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन फोकसिंग का उल्टा इफेक्ट मतलब डाइवर्जेंस। तो फोकसिंग में हम लोग डाइवर्जेंस इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पहले रेस डाइवर्ज होंगे एंड फिर रेस कन्वर्ज होंगे, तो जाके आपका इमेज जो है वो प्रॉपरली रेटिना के ऊपर फॉर्म होगा, एंड दिस इज बीन अचीव्ड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हाइपरमेट्रिक।